नमस्कार दोस्तों, मैं एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फोन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बोर्नियो में एक नई अपडेट दिया है, उसका हम जानकारी देने वाले हैं कि बोर्नियो सिमेटिक डायग्राम से दोस्तों हम फ्लैश फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें बोर्नियो फ्लैश फाइल को भी एड करना शुरू कर दिया अपना एप्लीकेशन में। तो वो फ्लैश फाइल को हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से हम रिसीव करेंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों बोर्नियो को जल्दी हम ऑन करते हैं बिना समय गवाए। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आपको हमारे चैनल पे आपको हमसे कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में करें। हम पूरे प्रयास करेंगे कि जो भी टॉपिक आप बोलेंगे उस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। दोस्तों जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप जरूर कमेंट करेंगे। हम नाइट में पूरा कोशिश करेंगे कि कम से कम एक घंटे में आप लोगों का कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके जरूर डाल सकें। जो भी हमारा सब्सक्राइबर भाई है उसको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट जरूर करें। जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हम पूरा प्रयास करेंगे आपको वीडियो देने के लिए। तो देखिए दोस्तों हम बोर्नियो को ऑन करते हैं डबल क्लिक किए, और ये बोर्नियो को ऑन करने के लिए एस पे क्लिक करना है। और देखिए बोर्नियो में जो फ्लैश फाइल दिया है वो कहां से हम कैसे ले सकते हैं उसका जानकारी देने वाले हैं। हमारा ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, यदि आपके पास बोर्नियो है, यदि आप बोर्नियो यूज कर रहे हैं तो इसके बारे में जानते होंगे। और जो नए यूजर हैं, जब आप बोर्नियो परचेज करेंगे तो उस समय आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे डला हुआ लॉग इन पे क्लिक करते हैं, और ये हमारा लॉग इन होना स्टार्ट हो गया है, और ये हमारा बोर्नियो सिमेटिक डायग्राम लॉग इन हो रहा है। दोस्तों हम इसको बड़ा कर लेते हैं साइज में थोड़ा। चलिए बड़ा हो गया। जब आपका ये पेज खुल के आएगा, ये आपका बोर्नियो का होम पेज आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है दोस्तों। अब हमको जाना कहाँ है बोर्नियो से फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों एक नया हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है जो कि BDW जो कि आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमको लेकर के आ जाता है ये हमारा कौन कौन सा कंपनी के लिए का फ्लैश फाइल यहाँ पे बोर्नियो अपडेट किया है, डाला है, वो हमारा शो हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है आसुस का है, कुलपेड का है, एसटीसी का है, हवाई का है, इन्फिनिक्स का है, आईटेल का है, लावा का है, लेनेवो का है, एलजी का है, आपका माइक्रोमैक्स है, मोटरोला है, नोकिया है, वन प्लस है, ओप्पो है, रियलमी है, सैमसंग है, टेक्नो है, वीवो है, स्वामी है, इतने सारा स्वामी, रेडमी, इतने सारे फोनों का बोर्नियो ने फ्लैश फाइल अपडेट किया है। दोस्तों बोर्नियो ने शुरुआत किया है तो धीरे धीरे करके फ्लैश फाइल को इसमें और ऐड करते जाएंगे, क्योंकि शुरुआत जब होता है तो उसमें थोड़ा सा कुछ कमी होता है, कुछ सुधारना पड़ता है ना। तो इसमें भी अभी कुछ प्रॉब्लम परेशानी क्या है हम दिखाने वाले हैं। जैसे कि स्वामी में हम जाएंगे तो स्वामी के अंदर जैसे कि कितने सारे मॉडल अभी दे रखे हैं, तो MI 11 Lite का दे रखा है, MI 11 Lite 5G का दे रखा है, MI 4i का दे रखा है, बहुत सारे देख सकते हैं दोस्तों। ये सब सारे फ्लैश फाइल है, कभी भी आपको जरूरत पड़े पोको का M4 Pro 5G दे रखा है, पोको X3 Pro दे रखा है, Redmi 10C दे रखा है, बहुत सारे फ्लैश फाइल दे रखा है। आपको जो गूगल से फ्लैश फाइल को ढूंढ के डाउनलोड करते हैं, फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद वो कभी कभी वर्क नहीं करता है, एरर आ जाता है, तो वो सारा यहाँ पे वैसा कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे जो भी फाइल आपका डला हुआ रहता है दोस्तों पूरा टेस्टेड फाइल रहता है और पूरा फुल्ली वर्क फाइल रहता है, क्योंकि जब बोर्नियो डालता है यहाँ पे तो अपना एक तरह की से जो भी उसको जांच पड़ताल होता है वो करके डालता है। तो ये रहा बोर्नियो में इतने सारे भी फ्लैश फाइल को डाल रखा है रेडमी का फोनों का, और भी इसमें ऐड करते जाएगा, क्योंकि जब शुरुआत कोई चीजों का होता है तो थोड़ा उसमें कमी जरूर होता है दोस्तों, धीरे धीरे करके वो ऐड करते जाएगा। तो ये हमारा हो गया बोर्नियो का जो MI का फोन है उसका जो डाल रखा है वो हमने दिखा दिए। अब आते हैं बात करता है कौन हमारा ज्यादा चलता है दोस्तों, हम लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो वन प्लस जरूरत पड़ता है, ओप्पो का भी जरूरत पड़ता है, लोगो वगैरह में आ गया, फ्लैशिंग करते समय डेड हो गया, तो देखिए ये 16 के, ये 31, ये 33, ये तो बहुत ओल्ड मॉडल हो गया, बहुत सारा नया और पुराना सब दे रखा है। तो ये सब हमारा फ्लैश फाइल है, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं,
यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये फ्लैश फाइल हमको डाउनलोड करना है तो ये यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका दो गो फाइल है जो कि आप जो भी इच्छा हो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब हमारा बोर्नियो में फ्लैश फाइल दे रखा है, नोकिया का चाहिए तो यहाँ पे हमारा सारा मिल जाएगा, नोकिया का फ्लैश फाइल मिल जाएगा। और भी कोई मॉडल चाहिए तो फिर से मोबाइल में आपको क्लिक करना है, मोबाइल में क्लिक करने के बाद आपको फिर से यदि वन प्लस का चाहिए, सैमसंग का चाहिए तो देखिए सैमसंग में आपको सीरीज बना रखा है, ये सीरीज का फ्लैश फाइल चाहिए, सी सीरीज का चाहिए, ई सीरीज का चाहिए, जो सीरीज का चाहिए, जैसे हमको जे सीरीज का चाहिए तो हम जे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जे सीरीज का ये सारे फ्लैश फाइल इन लोग ये डाल के रखे हैं, हमको यदि जरूरत हो तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये सीरीज अभी लेटेस्ट ये सीरीज बहुत सारा आ रहा है तो ए सीरीज पे यदि हम जाएंगे तो ए सीरीज का हमको फ्लैश फाइल मिल जाएगा तो अच्छा है, कहीं हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं हमको जाना नहीं पड़ेगा और हमको यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो देखिए दोस्तों ये सीरीज का फ्लैश फाइल यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो बोर्नियो ये एक अच्छा अपडेट दिया है, यदि इसमें बहुत सारे फ्लैश फाइल को डालते हैं, ये अपडेट करते रहते हैं तो जितने भी मोबाइल रिपेयर करने वाला भाई है उसको बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि जब भी फ्लैश फाइल उसके पास नहीं है उसको गूगल से खोज के डाउनलोड करना पड़ता है, बहुत बार वो वर्क करता है बहुत बार वर्क नहीं करता है, तो ये सब परेशानी से थोड़ा सा आसानी हो सकता है। देखिए दोस्तों ये और कितना अपडेट करता है, जो भी लेटेस्ट इसका इंफॉर्मेशन रहेगा वो कोशिश करेंगे आपको इंफॉर्मेशन करने के लिए। दोस्तों आज का इतना ही वीडियो और आप सभी को नमस्कार। और दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम मोबाइल रिपेयर से रिलेटेड आपको हमारे एसएमटीसी धनबाद का चैनल में आपको वीडियो देखने को मिलता रहेगा, हमारा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो यदि आप एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, जरूर शेयर करेंगे और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप सभी को नमस्कार करते हैं।